हेलो दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के 10 विजिटिंग प्लेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ आप आसानी से जा सकते हैं, और अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप लोगों को एक बार भी यहाँ विजिट करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, लैंसडाउन। लैंसडाउन उत्तराखंड का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जहाँ आपको बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिल जाएंगे और आप पहाड़ों की शांति को भी यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको मेरठ होते हुए बिजनौर से नजीबाबाद और फिर कोटद्वार से लैंसडाउन पहुँच जाएंगे आप। दिल्ली से लैंसडाउन का डिस्टेंस 253 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेट। यहाँ आप बस से भी जा सकते हैं और अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। नंबर 9, नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला हिल स्टेशन है। घूमने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। यहाँ आप चारों तरफ पहाड़ देख सकते हैं और वहाँ पर खूबसूरती का नज़ारा ले सकते हैं, और उन पहाड़ों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत लेक है जो नैनीताल को बहुत ही खूबसूरत बनाती है, जिसका नाम है नैनीताल झील। तो आप यहाँ जाकर घूम सकते हैं और आप नैनीताल झील में बोटिंग भी का मज़ा भी उठा सकते हैं। और ये दिल्ली से 257 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाने के लिए आप बस से भी जा सकते हैं और अपनी गाड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन आप अगर अपनी गाड़ी से जाएंगे वो ज़्यादा अच्छा। नंबर 8 पर है हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा नॉन प्लेस है, इसके बारे में लगभग हर कोई जानता है। यहाँ हर साल बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ की कुछ फेमस जगह जहाँ आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं, जैसे कि मनसा देवी टेम्पल, यहाँ भी आप जाकर जा सकते हैं, चंडी देवी टेम्पल दूसरा, और उसके अलावा यहाँ की सबसे फेमस जगह है आर के पौड़ी, जहाँ पर आप गंगा में स्नान कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो राजा जी नेशनल पार्क है जो भी है हरिद्वार से अप्रोक्सीमेटली 8-9 किलोमीटर है, वहाँ पर भी जाकर आप घूम सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार का डिस्टेंस 220 किलोमीटर है, तो आप यहाँ से बस से, ट्रेन से और अपनी गाड़ी तीनों वाहनों से जा सकते हैं। नंबर 7, ऋषिकेश। हरिद्वार से 40 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश है, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, गंगा किनारे बसा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर राम झूला, लक्ष्मण झूला दो फेमस झूले हैं, जिसके ऊपर आप क्रॉस करके गंगा के ऊपर से दूसरी तरफ जा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है देखने के लिए। यहाँ पर एक नीलकंठ महादेव का टेम्पल भी है, जहाँ पर आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं, जिसका 16 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आप ट्रैक से जाओ, नहीं तो आप गाड़ी से भी वहाँ पर जा सकते हो, जिसका किराया 70 से 80 रुपये के आसपास। ऋषिकेश को योगा के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा योगा की जाती है। गंगा किनारे शांति में बैठ कर योगा करने का यहाँ पर अपना अलग ही मजा है, तो आप भी अगर जाओ तो यहाँ इस चीज़ का मजा उठा सकते हैं, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फॉरनर भी घूमते हुए नज़र आए। नंबर 6, जोशीमठ। जोशीमठ भी बहुत खूबसूरत जगह है घूमने के जाने के लिए, ये भी काफ़ी हाइट पर है, और यहाँ से भी आपके ऊँचे ऊँचे पहाड़ का बहुत अच्छा नज़ारा मिल जाएगा। और ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ, तो यहाँ से आप अलकनंदा के भी नदी के भी नज़ारे देख सकते हैं। ये हरिद्वार से 276 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर आप अपनी गाड़ी या फिर बस, इन दोनों ऑप्शन से जा सकते हैं, यहाँ ट्रेन नहीं जाती। नंबर 5, ओली। जोशीमठ से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ही ओली स्थित है, और ये एक विंटर गेम्स के लिए भी जाना जाता है, पर यहाँ पर विंटर गेम्स के लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर विंटर में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, और यहाँ गेम खेलते हैं, स्केटिंग वगैरह की जाती है। यहाँ पर एक लेक है जो कि विंटर में जब जमने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है, तो यहाँ पर भी आपको एक बार घूमने आना चाहिए। नंबर 4, मसूरी। मसूरी सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में टूरिस्ट के लिए घूमे जाने वाली जगह है, और ये सबसे ज़्यादा वेल नोन जगह है हिल स्टेशन में। यहाँ पर हर साल बहुत तादाद में लोग घूमने के लिए जाते हैं, सर्दी हो या गर्मी, मसूरी में लोग बहुत जाते हैं घूमने के लिए। यहाँ पर आप शाम को मेल रोड पर घूम सकते हैं, जिसका मज़ा ले सकते हैं घूमने का। और सबसे फेमस जगह यहाँ पर है कैंपटी फॉल, वहाँ पर आप जाकर गर्मियों में के सीज़न में नहाने का मज़ा ले सकते हैं। नंबर 3, धनोल्टी। धनोल्टी विंटर सीज़न में ज़्यादा जानने वाली जगह है, यहाँ पर विंटर में बहुत बर्फ़ पड़ती है और यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाती है। ये वो जगह है जहाँ आसानी से जा सकते हैं और विंटर में बर्फ़ का मज़ा ले सकते हैं, इसलिए विंटर पे यहाँ बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं और पूरा मज़ा लेते हैं। ये मसूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 2, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ 4 धामों में से एक है, और ये भगवान विष्णु का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, और ये हरिद्वार से 314 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बद्रीनाथ जाने वाला जो रास्ता है, वहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, और आप रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ों का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर आप गर्म पानी के स्रोत में भी नहाने का भी मज़ा उठा सकते हैं, और यहाँ पर लास्ट इंडियन विलेज माना गाँव भी यहीं पर है, और आप वहाँ पर भी जाकर घूम सकते हैं। नंबर 1, केदारनाथ।
केदारनाथ भगवान शिव का सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है, जो कि पांडवों ने बनवाया था। यह हरिद्वार से 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप अपनी गाड़ी से केदारनाथ जाते हो तो आपको अपनी गाड़ी सोनप्रयाग में रोकनी पड़ेगी और सोनप्रयाग से शेयर टैक्सी लेकर आपको गौरीकुंड तक जाना पड़ेगा और गौरीकुंड से आपको 18 किलोमीटर का ट्रैक पैदल करके केदारनाथ मंदिर तक जाना होगा। लेकिन जब आप केदारनाथ मंदिर पहुँच जाओगे तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। एक बार आप लोगों को ये भी विजिट करना चाहिए। ये थे उत्तराखंड के 10 विजिटिंग प्लेस, जहाँ पर आपको अपनी लाइफ में एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए।